उत्तरी छोर में व्हाइट ब्लू की जर्सी में जो देख रहे हैं वो है ब्लैक शार्क, और दक्षिणी छोर में जो देख रहे हैं रेड और व्हाइट जर्सी में वो है राम जाने। दोनों ही टीम खेल जगत में काफी खतरनाक माने जाते और अपना छाप छोड़ चुके दोनों ही टीम। देखते हैं कि आज इस मैदान में दोनों ही टीम क्या कर पाते हैं, लेकिन दोनों ही टीम में आप इस रोमांच भरा मैच में देखते हैं कि कौन सा प्लेयर अपने टीम को गोल कर अगले राउंड में प्रवेश कर पाते हैं। इस चलती मैच के बाद फर्स्ट राउंड का पांचवा मैच के लिए रेडी में रहेंगे जय मां काली वर्सेस सीडी एफसी छोलागढ़ के बीच खेली जाएगी। आप भी अपने टीम को रेडी में रखेंगे, जैसे ही मैच समाप्त होती है अपने टीम को दल बल के साथ हमारे इस मेडिकल जोन में लेकर आ जाएंगे। हमारे बीच इस मंच पर उपस्थित हो चुके हैं उत्तर पूर्वी गदड़ा के पूर्व उप मुखिया बड़े भाई बिरजू पात्रो जी, साथ ही हमारे इस तेतुल बागान बॉयज क्लब के सचिव भी है विजय पात्रो जी, साथ ही हमारे बीच उपस्थित तेतुल बागान बॉयज क्लब के कोषाध्यक्ष बड़े भाई गणेश। दोनों ही टीम की ओर से ये काफी जबरदस्त मैच देखने को मिल रहा है। ये बहुत ही शानदार मौका ब्लैक शार्क की ओर से, लेकिन गलत पास। Thank you.
जर्सी नंबर सत्रह संदार मैच को दिखाकर अपना छाप छोड़ चुके हैं। आज हमारे इस चित्रकला बोझ क्लब में उनका स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं कि अपने टीम को लेकर आए। अभी तक जो भी दर्शक बंधु हमारे साथ जुड़े हैं, मैं बताना चाहूंगा कि अभी जो आप मैच देख रहे हैं राम जाने वर्सेस ब्लैक शार्क के बीच खेली जा रही है। अभी तक कोई स्कोर देखने को नहीं मिला है। जर्सी नंबर 9 जो रामजाने की टीम से है, यशवंत भी काफी खतरनाक माने जाते हैं, काफी अच्छा हेडर लेकिन गोल पोस्ट ऊपर जाता हुआ। जर्सी नंबर 11 जो रोहित ये भी काफी जाने माने प्लेयर है। बार बार रामजाने मौका बना रहे लेकिन उतने ही ब्लैक शार्क के रक्षापंक्ति उनके अटैकिंग को विफल करता हुआ। बहुत ही शानदार लेकिन शॉट, लेकिन काफी साइन शॉट। इस चलते मैच के बाद रेडी में रहेंगे जय मां काली वर्सेस सीडी एफसी छोलागोड़ा। जैसे ही मैच समाप्त होती है आप ही अपनी टीम को जो कि जर्सी नंबर 13 करण भूमिज ये भी काफी जाने माने प्लेयर माने जाते हैं, बड़े बड़े टूर्नामेंट में अपना छाप छोड़ चुके हैं। स्ट्राइकर के रूप में देखते हैं कि करण भूमिज अपने टीम को गोल कर बढ़त दिला पाते हैं कि नहीं।
एक मौका मिलता है वो अपलिक सर को देखते हैं कि वे काफी सुंदर हेड लेकिन गोल पोस्ट से काफी दूर जाता हुआ शानदार मौका लेकिन और एक मौका बनाता हुआ बहुत ही शानदार देखते ही देखते ब्लैक शार्क एक शून्य के बढ़त बनाते हुए देखते हैं कि राम जाने बचे हुए समय में क्या कर पाते हैं टीम के मैनेजर अभी मंच में अगर संपर्क कर ले बहुत ही रक्षापंथी द्वारा बॉल को क्लियर करता हुआ राम जाने के पास बचे समय में देखते हैं क्या कर पाते राम जाने लेफ्टी द्वारा एक फाउल का इशारा देखते हैं कि राम जाने उस मौके को गोल में तब्दील कर बराबरी पर ला पाते हैं कि नहीं एक काफी सुनहरा मौका मिलता हुआ राम जाने के टीम को जैसे नंबर 7 काफी पोस्ट से हल्का अभी जो संचालन कर रहे हैं संजय टुडू अलाइसमेंट के जो पूर्वी छोर पर है नटवर हांसदा दसवीं छोर में है शिवराम सोरेन बहुत ही अच्छा गोलकीपर द्वारा बचाओ और एक फाउल होता हुआ इस चलते मैच के बाद जयमा काली वर्सेस CTFC छोलागढ़ आप भी अपने टीम को लेकर मेडिकल जोन में लेकर आ जाए क्योंकि मैच समाप्त होने वाली है
अभी तक दोनों टीम मेडिकल जोन ने उपस्थिति दर्ज नहीं कराई है। बहुत बहुत धन्यवाद छोलावाला टीम के कप्तान या मैनेजर को। अब अपने टीम को लेकर हमारे इस मेडिकल जोन में लेकर आ गए। साथ ही जय मां काली की टीम के कप्तान या मैनेजर से मैं अनुरोध है कि आपकी प्रतिबंधित टीम हमारे इस मेडिकल जोन में पहुंच चुकी है, आप भी जितना जल्द हो सके अपने टीम को मेडिकल जोन में लेकर आ जाए। बहुत ही शानदार मौका मिलता हुआ बहुत ही सुंदर मौका मिलता हुआ रमजान को, लेकिन उतने ही चुस्त दुरुस्त गोलकीपर ब्लैक शार्क के। और एक मौका मिलता है ब्लैक साहब की ओर से, देखते हैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां काली, अभी अपने टीम को लेकर हमारे इस मेडिकल जोन में पहुंच चुके हैं।